हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पावर ग्रिड में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मतलब ट्यूसडे के दिन स्टॉक में हमें जो देखने मिला एक नेगेटिव मोमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.11% की एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई। क्लोजिंग यहाँ पे एग्जैक्ट हुई 208.45 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा जो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका थर्सडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के मतलब ट्यूसडे के क्लोजिंग के बेसिस पे थर्सडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस हमने 1 आवर के चार्ट में यहाँ पे थर्सडे के लिए जो मार्क करके रखे। फिलहाल 1 डे के चार्ट में आने वाले दिनों के लिए मैं बात करूँ तो वॉल्यूम है यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम हमारा जो है ट्यूसडे के दिन एवरेज सा देखने मिला। कैंडल भी छोटी सी भी ना दोनों के समय बारीक हमें विक जो है देखने मिल रही है। बात मैं करूँ RSI की 38-39 के आसपास हमारा RSI आ चुका जो हमें यहाँ पे जरूर एक स्लाइड पॉजिटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, मेरा ओपिनियन स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए अभी भी जो है यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट का चांसेस है कि स्टॉक में हमें सबसे पहले डाउन साइड 206.8 के आसपास देखने मिला। अगर उसको स्टॉक क्रॉस कर दिया गया तो स्टॉक में इजिली हमें डाउन साइड जो है 202.8 के आसपास देखने मिलेगी। स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड भी जो है नेगेटिव हो चुकी है तो मैं यहाँ पे जरूर आपको रेकमेंड करूंगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शॉर्टिंग की आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, मतलब सेलिंग साइड में जो अपने पोजीशन को यहाँ पे इंट्राडे वाइज हो या फिर पोजीशन वाइज हो सिर्फ और सिर्फ उसी में जो है बनाए क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में बड़ा हमें डाउन साइड जो देखने मिलने वाला है। थोड़ा सा स्टॉक में आप जरूर जो कॉशियसली काम करें। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे कल के दिन मतलब थर्सडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखना है उस बारे में हम बात करें तो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसे जो यहाँ पे मार्क है तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग्स यहाँ पे एक भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम बात करेंगे इसके क्लोजिंग की। तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते ताकि हमें दोनों साइड का डेटा जो है क्लियरली देखने मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग 808.80 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 208.30 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 209.35 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता 207.10 का, उसके बाद क्या था 206.20 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता 210.45 का, उसके बाद क्या था 211.45 का। तो यहाँ पे मैंने जो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है ट्रेड मतलब थर्सडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में ट्यूसडे के क्लोजिंग के बेसिस पर थर्सडे के लिए कहूँ तो मेरा ओपन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है, चांसेस है कि स्टॉक हमें 209.35 से लेके
210.45 के रेंज में क्लोजिंग में जो देखने मिले। न्यूट्रल सी ओपनिंग यहाँ पे गैप यहाँ पे जो है हमें एक्सपेक्टेड है। बाकी यहाँ पे क्लोजिंग हमें जरूर एक पॉजिटिव साइड में इस रेंज में क्लोजिंग की हमारी जरूर एक्सपेक्टेशन है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में यहाँ पे थर्सडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।